हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। हम तो आज हम सीरीज़ नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कवर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर जिनका भी 3 अगस्त को पेपर है, MPNHM वालों का 8 अगस्त को भी पेपर है, 12 अगस्त को भी पेपर है। तो अगस्त मंथ में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह एटलीस्ट 5 से 6 जगह पर पेपर है, तो आप लोग अपनी तैयारी है जो अच्छे से रखिए। और जिन भी लोगों को यदि प्रीवियस ईयर पेपर्स लेना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफिशियल ऐप में जाकर आप पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। एज यू विश, यहाँ पर आज की सीरीज़ में जो क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइप हैं। एटलीस्ट 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप हैं आपके लिए, क्योंकि आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है जो आपके पेपर में आएगी। स्पेशली जो लोग UP NHM, MPNHM, CHO का एग्ज़ाम देते हैं, फिर NHM के लिए, MPPEB के लिए, जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम देंगे, आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 वॉज एसोसिएटेड विथ हिम। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसके अकॉर्डिंग 5th गोल है जो किस चीज़ से रिलेट करेगा। ऑप्शन में है यहाँ पर, टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी, टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो जो यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, क्या है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, इसमें जो 5th गोल है किसके लिए होता है, 5th गोल रखा जाता है कि मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। हमें क्या करना है, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो जो यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में है जो रखी गई पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो 8 पॉइंट्स रखे गए थे और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यहाँ पर टोटल 17 पॉइंट्स थे। कितने, 17 टारगेट्स थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में यदि आपके लिए एड्स का है जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कॉम्बैक्ट HIV/AIDS, तो 6th नंबर पे आएगा। किस पे आएगा, 6th नंबर पर आएगा। और यहाँ पर ये पार्टनरशिप वाला है जो लास्ट में ए आएगा 8th नंबर पर। किस पर, 8th पर। चाइल्ड मॉर्टेलिटी को कम करना आएगा आपका 4th नंबर पर। और यहाँ पर जो मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ये आएगा 5th नंबर पर, कि मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना। उसमें गोल नंबर 5th है। टोटल यहाँ पर 8 गोल होते हैं, आपको याद रखना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, जिसमें टोटल 17 गोल्स होते हैं। कितने, टोटल 17 गोल होते हैं। MDG में कितने होंगे, MDG में 8 होंगे, और जो मिलेनियम डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें 17 होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इबोला वायरस इज फाउंड नेचुरली। तो जो इबोला वायरस है नॉर्मली किस में पाया जाएगा, चिंपैंजी में, फ्रूट बैट, गोरिल्ला या फिर मंकी, मतलब कि बंदर। तो जो इबोला वायरस है, बीच में बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो इबोला वायरस है जो किस में नेचुरली रहेगा, तो ये रहता है फ्रूट बैट में। किस में, फ्रूट बैट में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन का एम क्या है, रिड्यूसिंग द MMR, इंक्रीजिंग द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इंक्रीजिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट या फिर डिक्रीजिंग द CDR, क्रूड डेथ रेट। चारों एग्जाम में आती हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड क्रूड डेथ रेट, सभी आती हैं एग्जाम में। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या करेगा, फर्टिलिटी रेट को तो बढ़ाने का काम नहीं करेगा, इवन सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश कर रहा है पूरा इंडिया। फिर यहाँ पर क्रूड डेथ को घटाने की बात हो रही है, IMR को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, इसको भी घटाने का ही काम करेगा, तो MMR को भी घटाने का ही काम होगा। तो यहाँ पर NHM का एम क्या है, रिड्यूसिंग द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ हाउसेज विजिट बाय आशा इन अ डेज। तो एक आशा वर्कर को एक दिन में कितने हाउस विजिट करना चाहिए, 25, 10, 20 या फिर 35। तो जो आशा वर्कर होंगी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, एक दिन में कितने घर जाएंगी, वो एटलीस्ट जाना चाहिए। नंबर ऑफ हाउस कितनी विजिट होना चाहिए, 10। कितना,
एटलीस्ट 10 विजिट तक है जो करना चाहिए। 10 विजिट का मतलब 10 घर। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCTS? PCTS का फुल फॉर्म क्या है? पेशेंट चेक फॉर ट्रीटमेंट सिस्टम, पेशेंट एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, सॉरी चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो जो PCTS है, क्या है? PCTS है। PCTS का फुल फॉर्म होता है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। क्या है? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये यहाँ पर जनरली फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था इसको राजस्थान में। इसमें राजस्थान में कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को सुपरवाइज करना। और इस चीज़ का नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पर, द निश्चय किट इज यूज टू टेस्ट। तो निश्चय किट किसके लिए यूज की जाती है? HIV के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, मलेरिया, या फिर TB। नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कंफर्म करने वाले हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और ये जनरली गवर्नमेंट सप्लाई में देखने को मिलेगी। निश्चय किट गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री अवेलेबल होगी। जो आप मार्केट में लेने जाएंगे, प्रेगा न्यूज, प्रेगा किट नाम से जो मिलती हैं, अलग अलग किट आती हैं, कि निश्चय किट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएगी प्रेगनेंसी टेस्ट को कन्फर्म करने के लिए। यूरिन टेस्ट, SCG यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए किट है जो अवेलेबल होगी। कहाँ पर? जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर। नाम क्या है? निश्चय किट। नेक्स्ट है यहाँ पर, द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू। तो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, इसका मॉडिफाई किसमें किया गया था? JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, या फिर RBS के प्रोग्राम। तो चारों प्रोग्राम एग्जाम में आपको एज एम रखे मिलेंगे। आपको चारों प्रोग्राम कई बार पढ़ा दिए गए हैं। तो JSS के हैं यहाँ पर, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यहाँ पर NMBS जो स्कीम है किसमें मॉडिफाई हुई थी? जननी सुरक्षा योजना में। इसमें जननी सुरक्षा योजना में, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होगा? मैटरनल प्रोटेक्शन स्कीम। एग्जाम में आए जननी सुरक्षा योजना का दूसरा नाम तो क्या है? मैटरनल प्रोटेक्शन स्कीम। लॉन्च हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है जिससे मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट को हम कम कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मंकी पॉक्स? रिसेंट में खूब फैल रहा है बट उतना जानलेवा नहीं है एज कम्पेयर टू कोविड के, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मंकी पॉक्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? टेकोव्रीमेट, ओसेल्थाम्बिर, जिडियोविडिन, या फिर निबेरापाइन। ये चारों एंटीवायरल ड्रग हैं। ओसेल्थाम्बिर यूज़ की जाती है स्वाइन फ्लू को ट्रीट करने के लिए। जिडियोविडिन और निबेरापाइन दोनों हैं किसके लिए? HIV के लिए। तो यहाँ पर मंकी पॉक्स के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? वो टोकोव्रीमेट। क्या है? टेकोव्रीमेट, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, मंकी पॉक्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ की जाती है। मंकी पॉक्स के बारे में हम यहाँ पर 5 to 6 फैक्ट पढ़ते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट वन, कॉजेटिव एजेंट। मंकी पॉक्स इज कॉज्ड बाय द मंकी पॉक्स वायरस, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करेगा। मंकी पॉक्स है जो एक क्या है यहाँ पर? जूनोटिक डिसीज है। कैसी है? जूनोटिक का मतलब होगा एनिमल्स टू ह्यूमन में। और यहाँ पर इसका जो लास्ट साइन सिम्टम है, फिर हम पूरा इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं, 2 to 4 weeks, विदिन 4 weeks में पर्सन है जो ठीक हो जाएगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन के बहुत ही ज़्यादा पास में रहने से, या फिर पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में जाके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी हो सकता है। मंकी पॉक्स जूनोटिक है। इसका जो केस है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर जो केस है यहाँ पर बताए गए हैं, इंडिया में तो सबसे फर्स्ट केस दिल्ली में देखने को मिला था। साइन सिम्टम के इसके एज एन स्मॉल पॉक्स जैसे ही है, लेकिन स्मॉल पॉक्स में क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मंकी पॉक्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही जिनको भी हुआ है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ वूमेन इज डिस्चार्ज नेक्स्ट डे आफ्टर हर डिलीवरी, सी
सी रिटर्न्ड हॉस्पिटल ऑन थर्ड डे ऑफ डिस्चार्ज विथ हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि एक लेडी है, डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के है जो डिस्चार्ज कर दिया गया है नेक्स्ट डे उसको, लेकिन आफ्टर थर्ड डे तीसरे दिन आती है हॉस्पिटल, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर्वाइकल एक्सप्लोरेशन, कोगुलेशन प्रोफाइल, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर अल्ट्रासाउंड, आप क्या करेंगे उसके लिए? तो यहाँ पर कोगुलेशन प्रोफाइल यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप उसको MgSO4 देंगे। यहाँ पर जो मेन रीज़न होगा वो PPH से रिलेट करता हुआ रीज़न भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको आफ्टर डिलीवरी तुरंत होती तो 24 घंटे के अंदर दिख जाती, या फिर थोड़ी देर 24 घंटे के बाद होती तब भी पता चलता आपको, लेकिन थर्ड डे हुई है तो ये किसके कारण हो सकती है? कि कुछ प्लेसेंटा के बिट्स से, हो सकता है यूट्रस में रह गए हो, तो हम वो सोनोग्राफी से चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। PPH का वीडियो मैंने है जो सेकंड चैनल है मेडिकल नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स उस पर अपलोड किया है, तो आप लोग जाके एक बार उसको, पोस्टपार्टम हेमरेज कह दिए, आपको लगता है पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर है भी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ये थर्ड डे हो रही है ना कि सेकेंड डे और फर्स्ट डे, तो ये किस में आएगा? ये आएगा यहाँ पर डाउट होता है कि यहाँ पर प्लेसेंटा के कुछ बिट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो यूट्रस में रह गए हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, USG की हेल्प से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेंगू इज कॉज्ड बाय, तो डेंगू का कॉजेटिव एजेंट क्या है? एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, एडीज मॉस्क्यूटो, टीस फ्लाई या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो डेंगू का कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? वो है एडीज मॉस्क्यूटो। क्या है? एडीज मॉस्क्यूटो। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड एविडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा टिश्यू है जो पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइडली और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में भी है? कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजियस, लिम्फ या फिर मस्कुलर टिश्यू। तो जो टिश्यू यहाँ पर पूरी बॉडी में है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट है, तो वो कौन से? वो हैं कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजियस टिश्यू, अलग अलग टाइप के जितने भी टिश्यूज होते हैं वो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टिश्यू होते हैं बॉडी में वो कौन से हैं? कनेक्टिव टिश्यू और संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है यहाँ पर, 8 bits मेक अप ऑफ, तो 8 bits हैं यहाँ पर, 8 bits हैं, कितने में बनते हैं? 1 byte, megabyte, kilobyte या फिर none of the above। 8 bits बनते हैं यहाँ पर, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, 8 bits इक्वल टू 1 byte। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको आता है कि 8 bits कितने में है? 1 byte के बराबर। 1 KB है कितने के बराबर? वो 10 से 24 bytes के। 1 MB, फ़ोन आप लोग खूब यूज़ करते हैं, पता नहीं कितने KB में क्या हो रहा है, MB GB में क्या हो रहा है। 10 से 24 KB इक्वल टू 1 MB, 1 GB इक्वल टू 10 से 24 MB, मतलब 1024 MB, 1 TB इक्वल टू 10 से 24 GB, 1 PB इक्वल टू 10 से 24 TB। तो यहाँ पर आपको याद रखना है KB MB GB TB PB, सभी की जो रेंज 10 से 24 है, फिर आपको यहाँ पर, लेकिन ये नहीं कि 10 से 24 MB MB ही बोलो सब में, सबका जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन है वो भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कौन सा आइटम है जो हम इसके लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं? सक्शन कैथेटर, एनीमा ट्यूब, सर्जिकल सीजर्स या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हम किस में यूज नहीं कर सकते? तो जितने भी कैथेटर हैं, क्या हैं? कैथेटर हैं, ट्यूब्स हैं, उनके लिए हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो भी कैसे हैं यहाँ पर सीजर्स हैं, उनको हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से नहीं, बल्कि नॉर्मली बॉयलिंग के थ्रू ही क्लीन किया जाता है, इनको स्टरलाइज किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर होगा सर्जिकल सीजर। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ कंप्यूटर वर्कर।
आईटी फील्ड के लोग होते हैं उनको, जो कंप्यूटर वर्कर्स हैं उनको क्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कैंसर, लंग कैंसर, कैटरेक्ट या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम, क्या होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं? तो जो भी लोग लॉन्ग टाइम तक चेयर पर बैठ के कंप्यूटर में आके गड़ा के काम करेंगे उनको जो प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या होती है कार्पल टनल सिंड्रोम? यहाँ पर जो आपकी मीडियन नर्व है क्या होने लगता है, इसमें मीडियन नर्व में कंप्रेस होने लगता है। मीडियन नर्व कंप्रेस होने के कारण जो प्रॉब्लम होती है हाथ में वो क्या कहलाती है, कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लीथल मेथड ऑफ सुसाइड? कोई आत्महत्या करना चाहता है तो ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें बचने के चांस ना के बराबर होंगे? रिस्ट कटिंग, टेकिंग द पॉइजन, यूज ऑफ गन या फिर राउनिंग। मोस्ट लीथल मेथड पूछी है आत्महत्या की, तो मोस्ट लीथल तो यहाँ पर क्या होगी, गन शॉट। आप अपनी कलाई काट लेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा तो बचने के चांस हो जाएंगे। पॉइजन ले लेंगे तो वॉमिट करवा के या फिर गैस्ट्रिक लेवर्स करवा के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गन से अपनी कनपट्टी पर ही गोली मार लेंगे तो उनको एट द स्पॉट ही उनकी डेथ होना निश्चित हो जाता है। यहाँ पर मेथड ऑफ सुसाइड का सबसे खतरनाक तरीका कौन सा है, तो वो है यहाँ पर यूज ऑफ गन, बंदूक का प्रयोग। नेक्स्ट इज 34 वीक्स प्रेग्नेंट वुमेन विद कंप्लेन ऑफ लीकिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, व्हाट एग्जामिनेशन विल कंफर्म प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इन दिस पेशेंट? कौन सा यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन आप करेंगे कि पता चलेगा कि PRM हुआ है, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है, क्योंकि प्रीटर्म ही यहाँ पर, क्योंकि 34 वीक में वेजाइनल फ्लूड डिस्चार्ज हो रहा है। यदि जब फ्लूड डिस्चार्ज हो जाएगा तो हाइड्रोमनियोस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट बताएगा कि प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है? डिजिटल एग्जामिनेशन लाइव, दैट मीन्स पर वेजाइनल एग्जामिनेशन फिंगर यूज़ करके आप पता करेंगे। लेकिन कभी भी प्रीटर्म प्रेगनेंसी में चाहे फ्लूड लीक हो रहा हो या नहीं, हमें क्या करना है, वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। वेजाइनल एग्जामिनेशन का मतलब है पर वेजाइनल फिंगर यूज़ करके आपको चेक करना। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी स्पेकुलम एग्जाम या फिर यूरिन एग्जाम, तो ना तो USG से पता चलेगा ना यूरिन एग्जाम से। लेकिन जो कंफर्म होगा कि 34 वीक की प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए क्या होगा, वो होगा स्पेकुलम एग्जाम। एग्जाम में एक आपको ये डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाता है, तो ये सर्विक्स और वेजाइना को विजुअलाइज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है कि सर्विक्स कितने सेंटीमीटर डायलेट हुई है या फिर प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तो किस तरीके से सर्विक्स में डायलेटेशन हो रहा है। क्योंकि यदि यहाँ पर ज़्यादा देर तक फ्लूड लीक होगा तो हाइड्रोमनियास की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। जो एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स है लेस देन 5 सेंटीमीटर जाएगा तो हाइड्रोमनियास की सिचुएशन में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्लूड लॉस नहीं ज़्यादा होने देना है, ऐसे केस में आपको स्पेकुलम एग्जाम से चेक करना है कि प्रेजेंट में सिचुएशन है क्या। नेक्स्ट वन इज ऑल द फूड आइटम्स कैन कॉज कलर टू द यूरिन एक्सेप्ट। तो आप जब कुछ भी चीज़ खाते हैं तो आपकी यूरिन का कलर चेंज रहेगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर बेरीज, चाहे वो रेड बेरी हो, चाहे ब्लू बेरी हो, ब्लैक बेरी हो, बीट्स, कैरेट या फिर फूड कलरिंग एजेंट। जैसे आप लोग कपड़े पहनते हैं नए, उनको धुलने के बाद यदि कपड़े बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो कलर नहीं छोड़ेगा, लेकिन कपड़ा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो कलर छोड़ देता है। वैसे ही यहाँ पर सभी फ्रूट्स को खाने से क्या होगा, यूरिन का कलर चेंज होगा किसी एक को छोड़कर। बेरीज, बीट्स, फूड कलरिंग एजेंट, जिन भी खाने की चीज़ों में कलर्स मिले हुए हो वो यहाँ पर यूरिन के कलर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप 20 गाजर भी खा लोगे तक भी आप जिस कलर की यूरिन जाते हो उसी कलर की जाओगे, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज द फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो इनमें से फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोचिट्स, एक्टिनोमाइसाइटिस या फिर विब्रियो। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया क्या है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है इनमें से एक्टिनोमाइसाइटिस। फिलामेंट्स का मतलब है कि जिसके थ्रू बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह
अटैच हो सकता है। अब बैक्टीरिया और सेफ है यहाँ पर, कोकस जनरली राउंड शेप में होंगे, रेड और वैसिल रॉड और वैसिलाई रॉड है जो वैसिलस होंगे, गर्भ शेप में स्पायरोचीट रहेंगे, विब्रियो कोलेरा होगा, स्पायरल होगा या फिर स्पायरोचीट है, क्या है, सभी गर्भ शेप के हैं। फिर यहाँ पर आता है रॉड शेप, तो रॉड शेप में कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया माइकोबैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसाइटिस रहेंगे। फिर आता है कोकाई में, तो कोकाई में डिप्लोकोकाई होगा, निसीरिया टेड्रास और स्ट्रेप्टोकोका, ये सभी क्या है यहाँ पर, ये कोकस में। नेक्स्ट है यहाँ पर वाई EDTA इज नॉट सुटेबल फॉर कैल्शियम एस्टिमेशन, वाई EDTA इज नॉट सुटेबल फॉर कैल्शियम एस्टिमेशन, तो EDTA है जो कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए सुटेबल क्यों नहीं है। इथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड, क्या है, इथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड, यहाँ पर अब EDTA है जो क्यों हेल्पफुल नहीं है, सुटेबल नहीं है कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए। तो यहाँ पर जो EDTA है जनरली केमिकल है, क्या है, केमिकल है, तो ये कुछ मेटल्स के साथ क्या कर जाता है, वाइंड करता है, वैसे ये कैल्शियम के साथ वाइंड करेगा, तो ये किस केस में है जो सुटेबल नहीं होगा, इट विल डिस्ट्रॉय द कैल्शियम, ऐसा नहीं है, वाइंड्स द कैल्शियम विच इज नीडेड फॉर कोआगुलेशन, कैल्शियम कंसंट्रेशन विल इंक्रीज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो EDTA मैंने आपको जो ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब पढ़ाए थे, वायल्स पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाया था आपके लिए, सेकंड चैनल पर है जो मैंने पूरे अपडेट किए हुए थे। तो EDTA है यहाँ पर, EDTA क्या करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा, जुड़ जाएगा। EDTA बहुत सारे ऐसे मेटल आयन हैं जिनके साथ ही क्या करेगा, जुड़ता है, कैल्शियम मैग्नीशियम लीड एंड आयरन, यदि इनमें से कोई भी एक हो तो इनके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, जुड़ जाएगा, जो कि ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करेगा। जब कैल्शियम ब्लड क्लॉट के लिए क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा, लेकिन जब EDTA यदि इसके साथ जुड़ जाएगा तो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए EDTA कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज इट बाइंड द कैल्शियम विच इज़ नीडेड फॉर कोआगुलेशन, जिस कैल्शियम की ज़रूरत कोआगुलेशन के लिए, यदि उसी को EDTA ने बांध लिया, क्या किया जाएगा, यहाँ पर कोआगुलेशन है जो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड थेरेपी, तो यदि किसी पर्सन को अलग अलग डिसीज के लिए स्टेरॉइड थेरेपी यूज़ की जाती है, लेकिन यदि उसको लॉन्ग टर्म तक क्या दिया जाए, स्टेरॉइड्स दिया जाए, कंटिन्यूस किया जाए, क्या इफेक्ट बॉडी उसकी शो करेगी। ऑप्शन में है यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ वेट या फिर स्टेरॉइड साइकोसिस। तो यहाँ पर जो एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पर माना जाएगा, और जो लोग लॉन्ग टर्म तक इसके लिए यूज़ करेंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट है जो इसका आपको देखने को मिलेगा लंबे टाइम तक, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर स्टेरॉइड थेरेपी के कारण यदि आप लॉन्ग टर्म तक अलग अलग डिसीज़ के लिए है जो स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पर स्टेरॉइड साइकोसिस डेवलप होगी, क्या होगी, स्टेरॉइड साइकोसिस। ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत डोज यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का दे दिया आपने तो पर्सन को स्टेरॉइड साइकोसिस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि पर्सन को लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे डोज देंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा, या फिर कम टाइम में बहुत ज़्यादा डोज यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर स्टेरॉइड्स कम दे देते हैं तो स्टेरॉइड साइकोसिस डेवलप होने के चांस होंगे, जिसके लिए क्या कहा जाता है, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड साइकोसिस। इसके लिए क्या कहा जाता है, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड साइकोसिस। या तो फिर, और हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, यदि स्टेरॉइड साइकोसिस हो गई है तो पर्सन का सबसे पहले स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट चल रहा है उसको स्टॉप किया जाएगा, उसकी जगह कोई और मेडिकेशन को रिप्लेस किया जाएगा। तो आपके लिए याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो साइकेट्रिक मेडिसिन है उन्हीं से साइकोसिस डेवलप हो सकती है, अलग अलग कैटेगरी की मेडिसिन है उनसे भी साइकोसिस डेवलप हो सकती है, यदि स्टेरॉइड्स के कारण हुई है तो क्या कहलाएगी, स्टेरॉइड साइकोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ग्रुप ऑफ ड्रग इज द चॉइस फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, क्वेश्चन एग्जाम में आता है,
एडीएचडी के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लेकिन यहाँ पर है कि कौन से ग्रुप की ड्रग यूज़ की जाएगी एडीएचडी के लिए, तो ऑप्शन में है वेंजोडाइजापाइन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, एंटी साइकोटिक्स या फिर एंटी कन्वल्जेंट। तो यहाँ पर जो स्टिमुलेंट है एडीएचडी के लिए जो बेस्ट मेडिकेशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पर CNS स्टिमुलेंट कैटेगरी के जो भी मेडिकेशन होंगी वहाँ पर वो होंगी। और जो यहाँ पर बेस्ट CNS स्टिमुलेंट होता है वो होता है एम्फेटामाइन। लेकिन यदि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के डिसऑर्डर के बारे में आपको पूछा जाता है तो जनरली ये बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें बच्चों में देखने को मिलेगा जो कैटेगरी यूज़ की जाएगी इनमें ट्रीट करने के लिए वो क्या होगी, CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन जो नेक्स्ट में है, कार्डिनल मूवमेंट हर एक नर्सिंग एग्जाम में आता है, स्पेशली जब आप NHN CHO का पेपर लिखने वाले हो। कार्डिनल मूवमेंट्स अकर बिफोर द एक्सपल्सन इज, तो बेबी एक्सपल्सन होने के पहले, बेबी बाहर आने के पहले जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर हमने पढ़ा है वो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप याद होना कंपलसरी है। आपके एग्जाम में या ही जाता है, या तो सिक्वेंस जमाने के लिए आएगा आपको, या फिर कोई सा भी बीच में से पॉइंट्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्डिनल मूवमेंट्स हैं एक्सपल्सन के पहले वो क्या होगा, एंगेजमेंट, क्राउनिंग, इंटरनल रोटेशन या फिर एक्सटर्नल रोटेशन। तो जो कार्डिनल मूवमेंट होगा एक्सपल्सन के पहले वो होगा एक्सटर्नल रोटेशन। अब यहाँ पर कार्डिनल मूवमेंट हैं क्या, डिसेंट, एंगेजमेंट, फ्लेक्सन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, लास्ट वन इज द एक्सपल्सन। तो बेबी बाहर आने के पहले पूरे कार्डिनल मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ लेवर से होते हुए ही बाहर आएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सीधा एक्सटर्नल रोटेशन में आ जाए। पहले बेबी का क्या होगा, डिसेंडिंग होगी, इंगेजमेंट होगा, फ्लेक्सन होगा, इंटरनल रोटेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, रेस्टिट्यूशन का मतलब बेबी पूरा घूम जाएगा, फिर एक्सटर्नल रोटेशन, देन आफ्टर द एक्सपल्सन होगा। तो ये क्या है, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर है या फिर मैकेनिज्म ऑफ लेबर, आपको जिस नाम से याद हो जाए उस नाम से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लीड इज वाइडली यूज्ड इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। तो लीड है जो हमने एक डिसीज पढ़ी है प्लम्बेज में, लीड के कारण ही होती है। तो यहाँ पर लीड बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खास क्षमताएं हैं उसके कारण, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर लो बॉइलिंग पॉइंट, एंटी करोसिव, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, मिक्स विथ अदर मेटल्स इजीली। लीड को एक तो यूज़ किया जाता है कि अदर मेटल के साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, क्या है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग है। यहाँ पर एंटी कोरोसिव भी है, लो बॉइलिंग पॉइंट पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो हियर इज़ द राइट आंसर इज़ नॉन ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करके आपको क्वेश्चन पूछा गया है। लीड से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये आते हैं, प्लम्बेज में किसके कारण होगा, लीड के कारण। तो यहाँ पर आपको इनाम याद रखना है, मेनली वही आता है एग्जाम में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल इंजरी इन अ न्यूबॉर्न नोन एज कर्निक टेरस। कर्निक टेरस का मतलब होता है जॉइंटिस कहाँ तक पहुँच गया है, ब्रेन तक। यहाँ पर क्वेश्चन, नवजात शिशु में कर्निक टेरस के रूप में जाने वाली तंत्रिका संबंधी चोट निम्नलिखित किस पदार्थ से हो सकती है, मतलब कर्निक टेरस से किसके कारण होगा, वाइल सॉल्ट के कारण, कॉन्जुगेटेड ब्लीरूबिन के कारण, अनकॉन्जुगेटेड ब्लीरूबिन के कारण या फिर ब्ली बर्डिन के कारण। तो यहाँ पर जो ब्लीरूबिन रिस्पॉन्सिबल होगा कर्निक टेरस के लिए, क्या होगा, ब्लीरूबिन का लेवल ब्रेन में बढ़ेगा, तब उसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, कर्निक टेरस यहाँ पर। और ये जो ब्लीरूबिन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा अनकॉन्जुगेटेड ब्लीरूबिन। दो टाइप का होगा, कंजुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड ब्लीरूबिन। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाती है कर्निक टेरस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वह अनकॉन्जुगेटेड ब्लीरूबिन। कर्निक टेरस का मतलब होगा ब्लीरूबिन का लेवल कहाँ पर बढ़ जाना, ब्रेन में, और कौन से ब्लीरूबिन का, अनकॉन्जुगेटेड ब्लीरूबिन। अ नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एक नर्स को पता होना चाहिए कि गर्भधान की पहली तिमाही में
भ्रूण के हृदय की ध्वनियों का सर्वोत्तम स्थान कहाँ है? दैट मीन्स एज अ नर्स, एज अ CHO और एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपको पता होना चाहिए कि फीटल हार्ट साउंड आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहाँ है जो डिटेक्ट कर सकते हैं. अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, अबव द अम्बलाइकस, एट द अम्बलाइकस या फिर बिलो द सिम्फाइसिस. तो यहाँ पर कहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 12 वीक का होगा, कितने का होगा? 12 वीक का. तो 12 वीक जो फर्स्ट वीक से लेकर 12 वीक तक का टाइम है, यदि ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं तो हम फीटल हार्ट साउंड कहाँ पर डिटेक्ट करेंगे? अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस में. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका. नेक्स्ट है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन केस ऑफ एन्यूरेसिस एंड क्रॉनिक पेन. कौन सी मेडिसिन है जो यूज की जाएगी किसके लिए? एन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग, बिस्तर में ही सुसु हो जाए, या फिर बहुत क्रॉनिक पेन है उसके लिए, लंबे टाइम से कोई पेन आपको हो रहा है उसके लिए. इमिप्रामाइन, फिनाजीन, सेलिजिलीन या फिर ब्यूब्रोपिन. तो कौन सी मेडिसिन यहाँ पे यूज़ की जाएगी? तो इमिप्रामाइन एक क्या है जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, आपको याद रखना सीधा. यहाँ पर आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन में. एन्यूरेसिस कहें तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने बच्चे को यदि 6 साल से कम एज का है तो सीधा उठा के उसको इमिप्रामाइन खिला दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. 6 ईयर्स तक बच्चों में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, फिर कुछ जो डॉक्टर प्रेफर करे उसके बाद ही आप कर सकते हैं, लेकिन बिलो 6 ईयर आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है. तो एन्यूरेसिस में क्या होगा? बिस्तर में सुसु हो जाना, बेड वेटिंग होना. तो इसके लिए जो ड्रग होगी वो क्या होगी? इमिप्रामाइन. और इमिप्रामाइन किस कैटेगरी की ड्रग है? तो ये TCA है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है. जनरली ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन कुछ केस में जैसे एन्यूरेसिस हो गया, क्रॉनिक पेन हो गया और कुछ अदर कैटेगरी की डिसीज़ हो गई जिसमें इसको ट्रीट किया जा सकता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस यदि एन्यूरेसिस के लिए पूछे तो क्या होगा? इमिप्रामाइन. नेक्स्ट वन इज, अ चाइल्ड कैन विथहोल्ड एंड पोस्टपोन हिज बाउल मूवमेंट्स एट द एज ऑफ. तो कोई एक बच्चा है, बाउल मूवमेंट्स जो यहाँ पर पोटी करने जाना है यदि किसी बच्चे को, तो किस एज में वो पोस्टपोन कर सकता है या फिर होल्ड कर सकता है? यदि मम्मी ने बोला कि 5 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, तो वो रुका रहेगा, किस एज में रुकेगा? ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या फिर 4 साल में? तो बच्चा किस एज तक इतना कैपेबल हो जाएगा कि जो उसकी बाउल मूवमेंट्स है वो उसके कंट्रोल में रहे? तो वो होगा 2 साल की एज में. कितने में? 2 ईयर्स में. आप 1 साल के बच्चे को कहेंगे कि 5 मिनट रुक जाओ, अभी मैं लेके चलती हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, पूरा कपड़े ही अपने गंदे कर लेगा. लेकिन यहाँ पर बाउल मूवमेंट, बाउल कंट्रोल है उसकी मसल्स पर, कब हो जाएगा? 2 साल की एज में. नेक्स्ट है यहाँ पर, हु वेयर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया. तो भारत में पहली बार है, जो पहले राजा कौन से थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे? मौर्य वंश के, इंडो ग्रीक, गुप्त वंश या फिर कुषाण वंश. तो किस शासन काल में या फिर कौन से राजा ने सोने के सिक्के चलवाए थे? तो वो थे इंडो ग्रीक्स. कौन थे? इंडो ग्रीक्स. नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज पॉपुलरली नोन एज द वाइंडी सिटी. हवादार शहर किसको कहा जाता है? हवादार शहर किसको कहा जाता है? ल्हासा, वेनिसे, शिकागो या फिर सियोल. जो वाइंड सिटी कहलाती है वो कहलाती है शिकागो. अब जब आप MP, UP, राजस्थान का पेपर दे रहे हो तो पिंक सिटी याद रखना है, ग्रीन सिटी पूछें तो बेंगलोर है, पिंक सिटी पूछें तो जयपुर है. और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं, जो भी रिसेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो भी आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर आपको नॉन नर्सिंग ईयर है, तो आपको याद रखना है. नेक्स्ट वन इज़, द पर्सन हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर कौन है जो चुने गए? इनमें से राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर बीबी गिरी. तो कौन है जो यहाँ पर किसके लिए चुने गए थे? प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए. तो वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. कौन थे? राजेंद्र प्रसाद. जाकिर हुसैन तो एक इंडियन तबला प्लेयर है. यहाँ पर जो प्रेसिडेंट चुने गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नाउ अडेज जो रिसेंट में प्रेसिडेंट चुने गए हैं इंडिया के, वो कौन है? मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू,
जो कि इंडिया की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट, 15वें नंबर की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो शपथ दिलवाता है किसको? राष्ट्रपति को। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही आ सकता है। और जिन्होंने, जो राष्ट्रपति ने जब शपथ ली थी वो पूरा टीवी में न्यूज़ देखा होगा, तो उनको ये चीज़ बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन मेमोरी एंड इंटेलिजेंसी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? कौन सी सिचुएशन में मेमोरी, इंटेलिजेंसी, ओरिएंटेशन का मतलब है कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं, कितने बजे हैं, ये होगा। मेमोरी आपकी यादें, क्या सोचने समझने की क्षमता है, सब कुछ डिस्टर्ब होगा तो ये किस में होगा? ऑर्गेनिक साइकोसिस में, फंक्शनल साइकोसिस में, हेलुसिनेशन में या फिर फोबिया में? तो फोबिया और हेलुसिनेशन और फंक्शनल साइकोसिस में आपको याद रहेगा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह पर हैं, कितने बजे हैं, सब पता होगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक साइकोसिस होगी, क्या होगी ऑर्गेनिक साइकोसिस, उसमें आपकी ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी। क्या है इसमें? आपकी सभी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी साइकोसिस में। इसमें क्या होगा, सब चीज़ें हैं जो तीनों चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, वो क्या होगा आपका ओरिएंटेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इनमें डिस्टर्बेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि डिलीरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया, इसके क्या है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनमें ये चीज़ें आपकी डिस्टर्ब रहेंगी। या तो ऑर्गेनिक साइकोसिस को हम क्या कह सकते हैं, पैथोलॉजिकल, क्या कह सकते हैं, पैथोलॉजिकल सिचुएशन के कारण भी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनिक साइकोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु फाउंड द लिंक बिटवीन कोलेरा एंड कंटेमिनेटेड वाटर? तो गंदे पानी और कोलेरा का मतलब हैजा के बीच में कनेक्शन किसने खोज निकाला था? लुइस पाश्चर ने, रोनाल्ड रॉस ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर जॉन स्नो ने? तो इन चारों साइंटिस्ट ने अलग अलग फील्ड में अपनी अलग अलग खोज है जो की हुई है। तो यहाँ पर कोलेरा क्या है, विब्रियो कोलेरा, जिसका पॉजिटिव एजेंट है, ये फैलता किससे, कंटेमिनेटेड खाने पीने से, कंटेमिनेटेड वाटर से। तो यहाँ पर कोलेरा के लिए जो कंटेमिनेटेड वाटर और कोलेरा के बीच का कनेक्शन है किसने खोजा था, जॉन स्नो ने। एपिडेमियोलॉजी के फादर भी कौन कहे जाते हैं, जॉन स्नो। एग्जाम में आता है एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है, जॉन स्नो। कोलेरा और कंटेमिनेटेड वाटर के बीच का जो कनेक्शन है वो भी इन्होंने ही खोजा था, जॉन स्नो ने। एडवर्ड जेनर को वैक्सीन का फादर कहा जाता है, इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट। फीटल वेट का पता करने के लिए, मतलब कि माँ के यूट्रस में जो बेबी पल रहा है उसका यहाँ पर कितना वजन है, क्योंकि आप यूट्रस में तो वेट मशीन नहीं लगा सकते, तो कौन से फॉर्मूला से है आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि फीटल का वेट कितना है। जॉनसन फार्मूला, सेफर्ड फार्मूला, हेडलॉक फार्मूला। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अपना के आप इसको है जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे का वेट कितना है। तो ये तीनों फार्मूला अपनाए जाते हैं, कैसे, तीनों फार्मूले हैं जो अपनाए जाते हैं एस्टिमेटेड फीटल वेट को फाइंड आउट करने के लिए, जॉनसन, सेफर्ड एंड हेडलॉक फार्मूला। अब ये तीनों है क्या, ये भी देख, यूज़ किए जाते हैं जॉनसन, सेफर्ड, हेडलॉक। तीनों फार्मूला में से सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है होता है जॉनसन्स का फार्मूला। एग्ज़ाम में आपको आ सकता है मोस्ट कॉमन यूज फार्मूला फॉर फीटल वेट, फीटल वेट के लिए मोस्ट कॉमन फार्मूला क्या होता है, जॉनसन्स फार्मूला। फीटल वेट इन ग्राम्स इक्वल टू फेटल हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस एन, मतलब कितने मंथ है यहाँ पर प्रेजेंटिंग में है, या फिर एन का मतलब है यहाँ पर स्टेशन ऑफ फैट, एन इक्वल टू 13 व्हेन प्रेजेंटिंग पार्ट इज ऑफ इशियल स्पाइन। तो यहाँ पर इशियल स्पाइन के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एन टर्म है जो यूज़ किया गया है, इनटू 155। तो यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है फीटल वेट ग्राम्स में कौन फार्मूला, कौन से फार्मूला से निकालेंगे हम, तो जॉन्स फार्मूला से। नेक्स्ट वन इज, विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज लिंक बिटवीन द बैक्टीरिया एंड वायरस। ये क्वेश्चन एम्स में आया था आपको, कौन सा यहाँ पर बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कनेक्शन बना के रखेगा, लिंक बनाता है? माइकोप्लाज्मा, स्पायरोचिट्स, एक्टिनोमाइसाइटिस या फिर विब्रियो? तो यहाँ पर जो लिंक कनेक्ट करेगा बैक्टीरिया और वायरस के बीच की, वो होगा माइकोप्लाज्मा। क्या होगा?
माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द पार्ट कंट्रोल द ईटिंग बिहेवियर, तो खाने पीने का ईटिंग बिहेवियर कि कितना खाना है आपको कितना नहीं कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड या फिर पैंक्रियाज, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये करेगा आपका हाइपोथैलेमस, क्या करेगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया, तो भारत में सबसे बड़ी गुफा वाला मंदिर कौन सा है जिसमें बहुत सारी गुफाएं हैं, तुलजापुर, अजंता, पार्ले या फिर एलोरा, कहाँ की गुफाएं हैं, वो मंदिर भी अच्छा बड़ा है यहाँ पर तो है एलोरा की, कहाँ की एलोरा की। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड अबाउट प्रोपॉक्सी फैन, तो प्रोपॉक्सी फैन को लेके सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, एनाल जैसे इक्विवेलेंट टू ऑक्सीकोडिन, एंटागोनिस्ट एट एम्यू रिसेप्टर, कैन कॉज द डायरिया, सीजर सेट, ओवरडोज, तो यहाँ पर जो प्रोपॉक्सीफेन मेडिसिन है क्या है, प्रोपॉक्सीफेन मेडिसिन है ये किस कैटेगरी की मेडिसिन है आपको ये पता होना चाहिए, तो जो यहाँ पर प्रोपॉक्सीफेन मेडिसिन है जनरली ओपियोइड एनाल्जेसिक है, और इसको लेके जो यहाँ पर सही पॉइंट है वो होगा कि पेशेंट के लिए यदि ये ओवरडोज दे दी जाए क्या हो जाए, या तो इसका ओवरडोज हो जाता है तो पेशेंट को फिट्स या फिर सीजर्स भी आ सकते हैं, हर एक मेडिसिन एक टाइम और एक डोज तक ही ठीक होती है, लेकिन यदि इसको ओवरडोज कर दिया जाता है तो सीजर्स आने के चांसेस भी होते हैं, इसके लिए जनरली जो एंटी टस है वो लोकल एनेस्थेसिक इफेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि इसको ज़्यादा डोज दे दिया तो सीजर्स भी आ सकते हैं। पर इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, ये देखिए यहाँ पर पूरी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज बताई हुई हैं कि कौन सी कंडीशन में प्लेसेंटा है जो मार्जिन से ही अटैच होगा, बेटल डोर में, सर्कमवेलेट में, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया या फिर वेलामेंटस प्लेसेंटा में, तो किस केस में प्लेसेंटा मार्जिन से अटैच होगा, तो वो होगा बेटल डोर प्लेसेंटा। ये चारों एबनॉर्मलिटीज आपको 100 टाइम्स तक पढ़ा दी गई हैं, तो इन चारों की आपको इमेज याद रखनी है मेनली यहाँ पर, क्योंकि हम ओनली रिवीजन आपका चल रहा है आपके एग्जाम्स के लिए, तो मार्जिनल प्लेसेंटा जिसको हम कहते हैं वही क्या है, बैटल डोर प्लेसेंटा, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से अटैच होगी, मार्जिन से बिल्कुल या जो अपर साइड से ही अटैच होगी, तो इसको क्या कहा गया, मार्जिनल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा और बैटल डोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द माइक्रोवियल ग्रोथ, तो किसी भी माइक्रोबायोटिक एजेंट के लिए चाहे वो बैक्टीरिया हो वायरस हो कौन है जो अफेक्ट नहीं करेगा, मॉइस्चर, डिसइंफेक्शन, डार्कनेस या फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए, मॉइस्चर, नमी, कुछ कुछ बैक्टीरिया वायरस ठंडी जगह पर ही पनपते हैं, डिसइंफेक्शन, यदि आप डिसइंफेक्शन यूज़ करेंगे तो उनके मरने के चांस भी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन डार्कनेस अंधेरे से माइक्रोबियल एजेंट की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मॉइस्चर नमी रहेगी तो सबसे ज़्यादा है जो प्रॉब्लम होती है बैक्टीरिया के पनपने की होगी, डिसइंफेक्शन आप यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया है जो मर जाएगा वायरस लेकिन उनके स्पोर्स नहीं मरते, डार्कनेस उनको कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंधेरा है उजाला, कोरोना को ही देख लो या फिर सर्दी को ही देख लो, उसको अंधेरे उजाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है यहाँ पर द लेवल ऑफ एंजाइटी दैट एनहेंस द इंडिविजुअल्स पावर ऑफ परसेप्शन इज, तो एंजाइटी का कौन सा लेवल है जिसमें पर्सन के अंदर की जो पावर है क्या है वो बढ़ जाती है, एक तरीके से हम क्या करेंगे बूस्ट करने का काम करेगा, माइल्ड, पैनिक, मॉडरेट या फिर सीवियर, कौन सा लेवल होगा एंजाइटी का जिसमें पर्सन का पावर ऑफ परसेप्शन इन्हेंस होगा, इंक्रीज होगा, तो वो होगा माइल्ड, क्या होगी माइल्ड एंजाइटी। मॉडरेट में आप इतना ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि आपको ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है, सीवियर में आपको लगेगा कि आप आसमान में पहुंच गए, फिर सीधा आ जाता है पैनिक एंजाइटी अटैक कि करो या मरो यहाँ से भागो। नेक्स्ट है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग वेसल्स कंटेन हाइएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द फीटल सर्कुलेशन, तो फीटल सर्कुलेशन में कौन सा यहाँ पर वेसल्स है या फिर ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है जो रहेगी, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, अम्बिलिकल वेन में,
पल्मोनरी आर्टरी में डक्टस वेनोसिस या फिर डक्टस आर्टरियोसिस वेसल पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसनट्रेटिंग वेसल्स होगी फीटल सर्कुलेशन में वो होगी अम्बिलिकल वेन। क्या होगी? अम्बिलिकल वेन, जो कि बेबी के लिए क्या करती है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। नेक्स्ट वन इज इफ अ चाइल्ड वेट्स फॉल्स इन ग्रीन लाइन ऑन ग्रोथ चार्ट इट इंडिकेट्स, यदि बच्चे का वजन है जो ग्रोथ कर्व है येलो होती है, ऑरेंज होगी, ग्रीन होगी, लेकिन ग्रोथ कर्व में ग्रीन लाइन से नीचे जा रहा है बच्चा, तो कैसा है? सीवियरली अंडर वेट है, लेस वेट है, नॉर्मल वेट टू एज या फिर नन ऑफ दी अबव, तो ग्रीन लाइन के अंदर में ही है बच्चा, दैट मीन्स क्या है? नॉर्मल वेट है। क्या है? नॉर्मल वेट। अब यहाँ पर आप इस कर्व से इजीली समझ सकते हैं, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। क्या है? ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। अब यदि ग्रीन कर्व पर है बच्चा, कैसा है? ग्रीन कर्व पर है, तो यहाँ पर बच्चा क्या है? हेल्दी है। फिर यदि बच्चा ऑरेंज में आता है, सॉरी येलो कर्व में आता है, तो बच्चा अंडरवेट है, लेकिन जब ऑरेंज बैंड के नीचे, सॉरी मॉडरेटली अंडरवेट होगा, लेकिन जब ऑरेंज से नीचे चला जाता है, दैट मीन्स बच्चा माल नरिश्ड है, बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। थर्ड बैंड कैसा है? ऑरेंज कलर, सेकेंड येलो, थर्ड वन इज ग्रीन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सीरोसल कैविटी, मतलब सीरस फ्लूट सबसे ज़्यादा किस कैविटी में होगा? थोरेसिक, पेरिटोनियल, प्लूरल, पेरिकार्डियल कैविटी। तो लार्जेस्ट सीरोसल कैविटी कौन सी है? तो वो है यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी। क्या है? पेरिटोनियल कैविटी। और स्मॉलेस्ट कैविटी कौन सी है? तो वो है माउथ। लार्जेस्ट सीरोसल कैविटी पूछें तो पेरिटोनियल, और स्मॉलेस्ट पूछें तो माउथ। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है व्हेन अ नर्स टीच अ क्लाइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आफ्टर अ सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आप एज अ नर्स किसी पेशेंट को डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज सिखाते हैं सर्जरी के बाद, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में सभी चीज़ें सही सही बताएंगे, किसी एक को छोड़कर कौन सा एक्सप्लेनेशन गलत होगा। सर्फेक्टेंट लोअर्स द सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई, एटेलेक्टेसिस डज नॉट हैपन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, डीप ब्रीदिंग प्रोमोट सर्फेक्टेंट सीक्रेशन, सर्फेक्टेंट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रेशर नीडेड टू इन्फ्लेट द एल्वियोलाई। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा, यदि आप किसी को गहरी लंबी सांस, जो सांसों वाली एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा रहे हैं एज अ नर्स, एज अ सी एच ओ और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो आप सभी चीज़ें सही बता रहे हैं किसी एक को छोड़कर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो कल मॉर्निंग में, क्योंकि कल संडे है और कल मॉर्निंग में भी, सॉरी कल सैटरडे है, सैटरडे संडे आपको दो क्लासेस रहेंगी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में, तो यहाँ पर कल मॉर्निंग क्लास में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड वन मोर थिंग, सेकंड चैनल पर PPH का वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, तो आप लोग उसको जाके ज़रूर देखना, पूरा PPH आपका 10 मिनट में कवर हो जाएगा। थैंक यू।